वॉकेबल डिस्टेंस पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो इसमें टोटल ये 5.25 एकड़ में बना हुआ है, जिसमें हम रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोवाइड करा रहे हैं। आप सामने मेरे देख सकते हैं, ये हमारा टोटल 1 एकड़ का पैच है जहाँ पे हमने अपना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है। बेसिकली इसमें हमारे पास में आपके लिए रिटेल शोरूम्स रहेंगे, जो कि लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर यहाँ पे हम विद रूफ राइट प्रोवाइड करा रहे हैं। जो साइज रहेगा शोरूम्स का 16x63 रहेगा। और फ्रंट में आप टोटल देख सकते हैं, किसी भी लैंड की अगर मैं बात करूँ उसके प्रीमियमनेस का, उससे फ्रंट से पता चलता है। तो टोटल लगभग 400 फीट की फ्रंटेज है, जो डायरेक्टली मेरी 200 फीट के रिंग रोड पे आपको मिलती है देखने के लिए। पीछे हम इसमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसमें आपको वन ऑफ इट्स काइंड मैं कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ 3 BHK हम यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, जिसमें एक दो टाइप्स की यूनिट हमारे पास में रहेंगी, वो मैं आपको अंदर चल के दिखाना चाहूँगा। वेलकम टू द एपिटम ऑफ लग्जरी। आज मैं आपको जिस पर्टिकुलर अपनी कैटेगरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, या फिर जिसके बाहर हम खड़े हुए हैं, ये हमारा 3 BHK विद अटेंडेंट 2284 स्क्वायर फीट इसका एरिया रहेगा। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें ड्यूल एंट्री का हमने सेटअप रखा हुआ है। मेन डोर आपका 8 फीट की हाइट का सेम डिज़ाइन का रहेगा विद ग्लास पार्टीशन। उसके अलावा जो मेरी सेकेंड एंट्रेंस रहेगी, ये हमारी सर्वेंट एरिया, या फिर आप कह सकते हैं अटेंडेंट एरिया के लिए रहेगी। प्लीज़ वेलकम। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस पर्टिकुलर लेआउट में दो चीज़ों पे हमने मेन फोकस करा हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ प्राइवेसी, जो कि आपको मेरे आर्किटेक्चर में भी देखने के लिए मिलेगी। वी आर बेस्ड ऑन स्पेनिश आर्किटेक्चर, जो कि दो चीज़ों के लिए मेनली जाना जाता है। फर्स्ट द इंटरनल प्राइवेसी एंड द सेकंड आउटर डिटेलिंग। तो अगर मैं प्राइवेसी की बात करूँ, आपको मेरे हर घर में जैसे ही आप एंटर करते हैं एक एंट्रेंस फॉयर मिलेगा, सो दैट कोई भी थर्ड पर्सन अगर आपके घर में आ रहा है तो उसको आपके जो पर्सनल स्पेस रहता है, फॉर एग्जांपल योर बेडरूम्स, फॉर एग्जांपल योर किचन, उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल ही जीरो रहेगी। इसके बाद अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, तो हमने लिविंग एरिया का प्लेसमेंट इस हिसाब से रखा हुआ है कि कोई भी गेस्ट अगर आपके घर में बैठा हुआ है तो उसको किचन की विजिबिलिटी जो है बिल्कुल जीरो रहेगी, एंड इवन जो आपके बेडरूम्स रहेंगे इंटरनल, उनकी विजिबिलिटी भी जीरो रहेगी, जो कि इंश्योर करता है आपका 100% प्राइवेसी। एज यू कैन सी दैट हमने यहाँ पे 7-सीटर सोफा अकोमोडेट करा हुआ है, एंड लिविंग एरिया कम्प्लीटली आपको एल शेप में मिलता है, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कराता है अपने एक्स्ट्रा फर्नीचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 7-सीटर सोफा रखा हुआ है, यू कैन पुट अ 2-सीटर काउच ओवर हेयर ऑल्सो, तो आप 7-9 सीटर सोफा यहाँ पे रख सकते हैं। मेरे इस लिविंग एरिया को और एक अच्छी, आप कह सकते हैं एक व्यू देने के लिए, साथ में अटैच रहेगी आपकी 6 फीट की बालकनी, जिसमें हम UPVC डोर प्रोवाइड करा रहे हैं विद साउंड प्रूफिंग ग्लास, जो कि रिहाओ के रहेंगे। बेसिकली इट्स अ जर्मन कंपनी जो इस पर्टिकुलर एरिया में पायनियर माने जाते हैं। इसी के साथ में हम मैश डोर भी प्रोवाइड करा रहे हैं, सो दैट जो क्रॉस वेंटिलेशन रहे आपका घर का वो बिल्कुल भी खराब ना हो। ड्राइंग एरिया के बिल्कुल सामने आपका डाइनिंग स्पेस आ जाता है, जहाँ पे इजीली आप 6-सीटर डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। इसी के साथ में हमने ये वॉल प्रोवाइड कराई है, जहाँ पे आप कंप्लीट अपना क्रॉकरी यूनिट आप रख सकते हैं, प्लस यू कैन पुट योर TV यूनिट्स ओवर हियर। ये कंप्लीट वॉल आपको मिलती है। इवन अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, आप देख सकते हैं 6 चेयर्स लगाने के बाद भी मेरे पास इनफ स्पेस है, सो दैट मैं यहां से और यहां से जा सकूं, राइट? इसी के सामने बिल्कुल आपका किचन आ जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पे आपका किचन आ जाता है, और किचन में अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ तो आप एक चीज़ देखेंगे ध्यान से, मैंने ड्राई किचन और वेट किचन का पोर्शन हमने बिल्कुल सेपरेट कर दिया हुआ है, सो दैट खाना बनाते टाइम या फिर बर्तन धोते टाइम चीज़ें मैस क्रिएट ना हो। किचन की अगर मैं बात करूँ तो आपको हैटिक का विद सॉफ्ट क्लोजर किचन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी के बिल्कुल साथ में हम आपको ड्राई पेंट्री का प्रोविजन भी दे रहे हैं। एज यू कैन सी समवेयर, अगर मैं, जैसे कि मैंने आपको लोकेशन के बारे में बताया था, डीमार्ट इज हार्डली 700 मीटर फ्रॉम हेयर, तो आप पूरा मंथ का अपनी ग्रोसरी एक ही बार में लाके इसमें स्टैकअप कर सकते हो। और इसी के साथ में हमने एक स्पेस प्रोवाइड कराई है, जहाँ पे आप अपना फ्रिज इजिली रख सकते हैं। किचन के साइज की बात करूं तो इसका स्टैंडर्ड साइज रहेगा 12x8, और इसी के साथ में अगर मैं आपको बताऊं,
एज दे से हेल्दी लिविंग इज़ अ गुड लिविंग, तो इसी को इंश्योर करने के लिए किचन के साथ में हम आपको डेडिकेटेड किचन गार्डन दे रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी सब्जियाँ, टमाटर, मिर्ची आप अपने यहाँ पे उगा सकते हो। इसी के साथ में आपके लिए एक सर्विस एरिया आ जाएगा विच विल गिव एक्सेस टू योर अटेंडेंट टू योर होम। उसके अलावा आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने वेट पॉइंट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल यू कैन अकोमोडेट योर डिश वॉशर ओवर हेयर, आप अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख सकते हैं और यहीं से आपको कनेक्टिविटी मिलती है अपने अटेंडेंट रूम के लिए। अटेंडेंट रूम की अगर मैं बात करूं, ये आपको स्टैंडर्ड 8x7 के साइज का मिलेगा, जिसमें आप एक बेड बड़े इजीली अकोमोडेट कर सकते हो और इसी के साथ में अटैच्ड आपको वॉशरूम मिल जाएगा जिसका साइज 4x5 का रहेगा। डाइनिंग के बिल्कुल सामने आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है और हम क्लेम करते हैं पूरे एयरपोर्ट रोड पे हमसे बड़े बेडरूम साइजेस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे इन हाई राइज। आपको जो क्लियर साइज आपको यहां पे मिलेगा वो रहेगा 15x11। यू कैन सी द साइज ऑफ रूम। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मेरे पास जो स्टैंडर्ड आपको रूम साइज मिलेगा क्लियर 11x15 का मिलेगा, उसका ये फायदा आपको रहेगा बेड लगने के बाद भी यू हैव इनफ स्पेस कि अगर आप अपना एक वर्क स्टेशन यहाँ पे बनाना चाहें, एक मिनी लाइब्रेरी आप यहाँ पे अपनी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इसी के साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट देती है आपके रूम को ये 6 फिट की बालकनी। एज आई ऑलरेडी सेड, जितने भी मेरे डोर्स रहेंगे टफन के साथ में रहेंगे साउंड प्रूफिंग, और उसी के साथ में मैं UPVC डोर जो दे रहा हूँ विद मैश डोर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। एज यू कैन सी, जो मेरी बालकनी का साइज रहेगा वो 23x6 रहेगा, विच विल बी ड्यूली कनेक्टेड टू योर बोथ द रूम्स, मतलब वो आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगी और मास्टर बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगी। प्लस बिल्डिंग को एक टाइमलेस फील देने के लिए जितनी भी मेरी आउटर स्ट्रक्चर रहेगा बिल्डिंग का सारा गन पेंटेड रहेगा, प्लस जो आपको रेलिंग्स मिलेंगी सारी की सारी डिज़ाइनर रेलिंग्स मिलेंगी। जनरली रेलिंग्स में आपने देखा होगा नॉर्मल एक ब्रिक्स लगा के उस पर ड्रिल किया जाता है या फिर उस पर वेल्ड किया जाता है, इसे हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 1.5 फिट का RCC स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करा रहे हैं, सो दैट जो आपकी ड्रिल रहे उसमें स्ट्रेंथ पूरी रहे। एज आई ऑलरेडी सेड, मेरे आर्किटेक्चर में आपको प्राइवेसी का ध्यान, आपकी प्राइवेसी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखा गया है, तो जैसे ही अगर आप मेरे इसमें यहाँ पे देखेंगे रूम के साइज में देखेंगे, फ्लोर प्लान में देखेंगे, हमारा जो बेडरूम है वो एक्चुअल में मेन गेट से लगभग 10 फीट के बाद शुरू होता है, जिसमें विद इन 7 फीट आपको एक वार्डरोब्स मिल जाती हैं जो कि सेम आपको इसी क्वालिटी की मिलेंगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जैसे आप घर के अंदर एंटर करते हैं, बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं, आप शू रैक में अपने शू रख सकते हैं। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरा वॉशरूम आ जाता है जो कि 5x7.5 का रहेगा। एंड अंदर फिटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन हमने फिटिंग्स यूज करी हुई हैं जो कि टोटो एंड ग्रोहे का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपको लेके चलता हूँ अपने गेस्ट बेडरूम की तरफ, लेकिन उससे पहले गेस्ट वॉशरूम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा गेस्ट वॉशरूम रहेगा जिसमें हम फिटिंग्स आपको प्रोवाइड कराएंगे कॉलर की, और साथ में सेम वैनिटी आपको प्रोवाइडेड रहेगी विद काउंटर टॉप। इस पर्टिकुलर वॉशरूम्स की अगर मैं बात करूं क्या USP है, क्या पर्पस है, जनरली आपने देखा होगा कभी भी कोई गेस्ट आता है तो उसे किसी बेडरूम में से होके जाना पड़ता है वॉशरूम यूज करने के लिए, तो उस चीज को जीरो डाउन करने के लिए अगेन प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू हमने ये दिया हुआ है। इसमें ड्यूल एंट्री आपकी रहेगी सो दैट कोई भी गेस्ट विदाउट आपकी प्राइवेसी इंटरफेयर किए अपने यहाँ पे वॉशरूम यूज कर ले, प्लस जो गेस्ट रूम में रह रहे हैं वो भी इसे अंदर से अंदर भी यूज करें। इस पर्टिकुलर रूम में इस चीज को देखते हुए ड्यूल एंट्री का हमने कंसेप्ट रखा हुआ है। आइए फ्रेंड्स अब मैं आपको ले चलता हूं अपने गेस्ट बेडरूम की तरफ।
तो ये हमारा आ जाएगा गेस्ट बेडरूम। इस पर्टिकुलर बेडरूम की अगर मैं बात करूं यूएसपी की, तो आपने जनरली बेडरूम्स देखे होंगे विद वन बालकनी, विदाउट बालकनी, लेकिन इस पर्टिकुलर अगर बेडरूम की मैं बात करूं, इसमें हमारी दो बालकनीज अटैच होती हैं, जो कि एक बालकनी आपकी 6 फीट की इस तरफ रहेगी और एक बालकनी आपकी जो कि आपके किचन गार्डन के साथ में कनेक्टेड रहेगी, वो यहां से भी आपको एक्सेस मिलती है। सो दैट अगर आपने किचन विदाउट लिविंग एरिया एक्सेस किए हुए यूज करना हो, आप डायरेक्टली इसे यहां से एक्सेस कर सकते हैं। प्लस रूम कंजप्शन, एरिया कंजप्शन कम करने के लिए हमने यहां पे स्लाइडर्स का प्रोविजन दिया है। जो आपको यहां पे चैनल मिलेंगे, स्लाइडर्स डोर मिलेंगे, वो बाय हैफले मिलेंगे, प्लस सेम फिनिशिंग में आपको मिलेंगे। इसमें शूज रखने के लिए शू रैक हमने अलग से बनाया हुआ है, प्लस हैवी लगेज रखने के लिए सामान हमने ऊपर दिया हुआ है स्पेस। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके एक पोर्शन में आपका वार्डरोब का स्पेस आ जाता है, एक पोर्शन में आपकी बालकनी का स्पेस आ जाता है, और यहां पे आप अपनी टीवी यूनिट इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। टीवी यूनिट इंस्टॉल करने के बाद, बेड लगने के बाद भी आपके पास इतना स्पेस है कि आप इजीली यहां पे मूवमेंट अपना कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस पर्टिकुलर की एंट्री दो तरफ से रहेगी, तो एक एंट्री आपकी लिविंग की तरफ से रहेगी और एक गेस्ट रूम की तरफ से रहेगी। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने फ्लैट के सबसे प्रीमियम रूम की तरफ, योर मास्टर बेडरूम। तो जैसे कि आपने मेरे पहले रूम में भी देखा था, जैसे आप एंटर करते हैं आपको इस तरफ में वॉक इन वार्डरोब्स मिल जाती हैं, जो कि हमने एक कह सकते हैं वेल डिजाइन करी हुई हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको शू रैक मिल जाता है आपका शू रखने के लिए, इवन अलग अलग पार्टीशंस मिल जाते हैं आपको अपना सामान रखने के लिए, फॉर द मैन ऑफ द हाउस, फॉर द वुमेन ऑफ द हाउस। और इसी के साथ में स्पेस कंजप्शन अगेन कम करने के लिए आपको यहां पे एक ड्रेसिंग यूनिट भी मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, हमारे प्रोडक्ट का नाम है एल्सपेजिया। ये बेसिकली एक स्पेनिश नेम है, जिसको अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब निकलता है द स्पेस। तो बेसिकली हमने अपने आर्किटेक्चर में स्पेस की यूटिलाइजेशन ये ना देखते हुए कि कितना एरिया हमें मिल रहा है, उसे बेस्ट करने की हमने कोशिश करी हुई है। वॉक इन वार्डरोब्स के बिल्कुल सामने आपके पास एक वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम का साइज स्टैंडर्ड साइज रहेगा, और जैसे कि आप देख पाएंगे यहां पे, हम यहां पे भी आपको टॉप ऑफ द लाइन टोटो एंड ग्रोहे का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगेन इसी के साथ में एक वैनिटी हम प्रोवाइड कराते हैं, और साथ में आपका एक काउंटर टॉप भी आ जाता है। जैसे कि मैं प्रीमियमनेस की बात कर रहा था, तो वो आपको आप मेरे मास्टर बेडरूम में देखने के लिए मिलेगी, जिसे सबसे पहली चीज़ हमारी ऐड हो जाती है वुडन फ्लोरिंग। ये वुडन फ्लोरिंग हम एक्शन टेसा की प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि 10 ईयर्स की वारंटी के साथ में रहेगी, हीट रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस एंड टर्माइट रेजिस्टेंस। अब अगर अगेन बेडरूम साइज की बात करें, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है, आपको पूरे एयरपोर्ट रोड पे हमसे बड़े बेडरूम साइजेस कहीं पे नहीं मिलेंगे। आप इजीली देख सकते हैं, एक बेड लगने के बाद भी इतना स्पेस है मेरे पास में। मैंने यहाँ पे 3-सीटेड काउच इजीली यहाँ पे अकोमोडेट करा हुआ है, प्लस इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आप अपना एक वर्क स्टेशन भी बना सकते हैं। बेडरूम बेड के बिल्कुल सामने एक टीवी यूनिट आ जाती है, और यहाँ पे आप अपना LED हैंग कर सकते हैं। इसी के साथ में अगेन आपके बेडरूम को कॉम्प्लीमेंट देती है आपकी 6 फीट वाइड बालकनी, अगेन विद मैश डोर एंड साउंड प्रूफ ग्लास डोर। ये वही बालकनी है जिसे मैंने आपको पहले दिखाया था। टोटल साइज ऑफ बालकनी 23x6। हमने इंश्योर किया है, चाहे वो मेरा गेस्ट बेडरूम हो, चाहे किचन हो, चाहे लिविंग एरिया हो, चाहे बेडरूम्स हो, किसी के साथ भी 6 फीट से कम बालकनी ना हो। तो फ्रेंड्स, ये था एल्सपेजिया का 3BHK विद अपार्टमेंट 2284 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा, और अगर आप विजिट करना चाहते हैं, एक क्लास अपार्ट लिविंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आप हमारी साइट जरूर विजिट कीजिए। हमारी साइट अंबाला चंडीगढ़ हाईवे KFC मैकडी से हार्डली
300 मीटर के डिस्टेंस पे है। और अगर मैं मेन यूएसपी की बात करें जो आपको अट्रैक्ट करेंगे मेरे पर्टिकुलर फ्लैट के लिए, वो ये है हमारा सबसे लो डेंसिटी प्रोडक्ट है पूरे एयरपोर्ट रोड का। इन 5.25 एकड़ एरिया हम सिर्फ 15 शोरूम्स और 252 एलीट होम्स बना रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी में यहाँ पे कैटर कर रहा हूँ, दैट इज़ 3 BHK। उसमें अगेन आपको एक एनहेंसमेंट मिलती है 3 BHK प्लस अटेंडेंट की, जिसकी हमने अभी यूनिट अभी हमने देखी है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, वी आर बेस्ड ऑन स्पेनिश आर्किटेक्चर, जो कि आपको मेरी बिल्डिंग के आउटर में भी देखने के लिए मिलेगा। स्टेट ऑफ आर्ट क्लब हाउस की मैं अगर बात करूँ, वी आर प्रोवाइडिंग द बिगेस्ट क्लब हाउस इन द पर्टिकुलर रीजन फॉर 252 फैमिलीज, जिसका साइज़ 14,000 स्क्वायर फीट रहेगा। और ये बेसमेंट प्लस 3 के कंसेप्ट पे हमने बनाया है। इंटरनल ग्रीन एरिया की अगर मैं बात करूं, 1.2 एकड़ का मेरे पास ग्रीन एंड ओपन एरिया आ जाता है, जिसमें हम डेडिकेटेड स्पेस प्रोवाइड करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल किड्स के लिए हमारे पास में अलग से स्पेस रहेगा, हमारे लिए अडल्ट्स के लिए या फिर टीनेजर्स के लिए हमारे पास अलग से स्पेस रहेगा, ओल्ड एज पीपल के लिए हमारे पास अलग से स्पेस रहेगा, डेडिकेटेड योगा मेडिटेशन स्पेस फॉर लेडीज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके अलावा टोटल 3 वाटर बॉडीज़ हमारे प्रोजेक्ट्स में रहेंगी, जिसमें एक आपका वाटर फाउंटेन आ जाता है, एक एंट्री गेट पर आ जाता है, एंड एक 20x60 का एक लैविश आपका स्विमिंग पूल आ जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा सैंपल अपार्टमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नए लेटेस्ट ऑफर के लिए अपनी क्वेरीज के लिए नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। और सी यू ऑन साइट। चीयर्स। Oh,